प्रश्न है, मुर्शीद कुली खान ने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की किस व्यवस्था का आरंभ किया था? इक्ता, इजारा, तकावी या फिर स्थायी बंदोबस्त। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर होने लगी। मुर्शीद कुली खान ने इसका फायदा उठाकर बंगाल को लगभग स्वतंत्र बना दिया। जैसे ही मुर्शीद कुली खान 1717 में बंगाल का सूबेदार बना, उसने अपने को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया। हालांकि वह नजराने के तौर पर काफी बड़ी रकम मुगल दरबार में भेजता रहा। मुर्शीद कुली खान ने प्रशासन की मित व्ययता दिखाई और नए भू राजस्व बंदोबस्त द्वारा जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। इसने इजारा व्यवस्था यानी ठेके पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था की भी शुरुआत की। उसने स्थानीय जमींदारों, सौदागरों और शाहूकारों के बीच राजस्व वसूलने, किसान, सौदागर और साहूकार भर्ती किए। इसकी नई इजारा व्यवस्था ने बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया जो इजारेदार कहलाए। हालांकि उसने किसानों के लिए तकावी ऋण देने की भी शुरुआत की। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन।